हैमर थ्रो एथलेटिक्स में एक महत्वपूर्ण खेल है। इसमें एक मेटल बॉल एक वायर से बंधी होती है और ऊपर पकड़ने के लिए हैंडल होता है, जिसे खिलाड़ी अपनी ताकत से गोल घुमाते हुए दूर तक फेंकता है। रिक्वायरमेंट्स: खेल में इस्तेमाल होने वाला हैमर तीन उपकरणों से मिलकर बना होता है, जो है मेटल बॉल जिसे हेड कहते हैं, बॉल एक स्टील की तार से बंधी होती है जिसकी लंबाई 121.5 सेंटीमीटर होती है, तार के दूसरी छोर पे पकड़ने के लिए ग्रिप या हैंडल होता है। पुरुष 7.26 किलोग्राम के हैमर का इस्तेमाल करते हैं, जिसका डायमीटर 110 से 130 मिलीमीटर के बीच का, और महिलाएं 4 किलोग्राम हैमर का इस्तेमाल करती हैं, जिसका डायमीटर 95 से 100 मिलीमीटर के बीच का होता है। रूल्स: हैमर थ्रो के रूल्स डिस्कस थ्रो से काफी मिलते हैं, पर कुछ खास चीजों पर अलग से ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि हैमर थ्रोइंग सर्कल जिसका डायमीटर 2.135 मीटर है, हैमर इसके अंदर से ही फेंका जाता है। खिलाड़ी हैमर फेंकते वक्त इस सर्कल के भीतरी सतह को छू सकता है, पर सर्कल लाइन के ऊपर नहीं चढ़ सकता और ना ही पार कर सकता है। ऐसा करने पर फाउल काउंट होता है। प्रतिभागियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केस के अंदर से थ्रो की जाती है, जो केस आगे से 6 मीटर खुला हुआ होना चाहिए। हैमर थ्रो के अंदर खिलाड़ी थ्रो करते समय हैमर थ्रोइंग ग्लव्स का प्रयोग करता है।